हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 7 न्यू नोटिफिकेशंस। आपके दो ऐसे नए रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से दिसंबर 2021 टर्मेट एग्जामिनेशंस के लिए आपके असाइनमेंट की गाइडलाइंस जारी की गई है। साथ ही दोस्तों, एक ऐसा रीजनल सेंटर है जिसकी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स से आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं कि आप किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सो दैट वो आपकी हेल्प कर सके। इसके अलावा काफ़ी ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं। सो दोस्तों, पहले नोटिफिकेशंस को कवर करेंगे और उसके बाद में आपके रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उनको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं आपके न्यू एडमिशन्स के लिए। इग्नू की तरफ से न्यू एडमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड करके और 25 अक्टूबर तक कर दिया गया। सो जो भी स्टूडेंट्स बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री के किसी भी प्रोग्राम के लिए न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है फिर पटना रीजनल सेंटर की तरफ से। दोस्तों, पटना रीजनल सेंटर की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है और इसमें इस नोटिफिकेशन को नाम दिया गया है नोटिस फॉर ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सेशन। इसे 26 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट से आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं जिसका सॉल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिल पाया। सो ये सभी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको क्लियरली बता देना है कि आप किस टाइप की प्रॉब्लम से अपने रीजनल सेंटर से या आपके स्टडी सेंटर से परेशान हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं, जिससे आपके रीजनल डायरेक्टर और आपके कोऑर्डिनेटर्स को पता चल सके और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी लिखनी है, आपका नाम, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर और किस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। यहाँ पे सभी अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ पे टिक कर देंगे, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है तो आप इसको भी टिक कर देंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको एक साथ अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करके और डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहें तो आपकी जो भी ग्रीवेंस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप उनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि आप उस प्रॉब्लम को कितने टाइम से झेल रहे हैं। यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद में सिंपली आपको इसे सबमिट कर देना है। इसके बाद में 26 अक्टूबर को आपके रीजनल सेंटर की तरफ से ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट नोटिफिकेशन त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर की तरफ से। दोस्तों, त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स बीबीए रिटेलिंग वाले हैं, आपका इंटर्नशिप वाइवा वॉस कंडक्ट किया जाएगा 21 अक्टूबर को। उसके लिए यहाँ पे लिंक दे दिया गया और सभी डिटेल्स दे दी गई, सो आप इसे चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है फिर मदुरई रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आपके रीजनल सेंटर की तरफ से इंडक्शन हैंडबुक दे दी गई। जैसे कि आप समझते हैं कि इंडक्शन मीटिंग में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वही आपको यहाँ पे एक पीडीएफ में दे दी गई। सो इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे किसी भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, आप सभी स्टूडेंट्स इस हैंडबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगी कि टाइम टाइम पे आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। जैसे एडमिशन के बाद में आप एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो अपना आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आपको अपने असाइनमेंट बनाने होते हैं, साथ ही आपको असाइनमेंट जमा करने के टाइम पे अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है, एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करना है, री रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये कंप्लीट डिटेल्स आपको इसी हैंडबुक में मिल पाएगी या फिर आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको टाइम टाइम पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है फिर जम्मू रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, जम्मू रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स CIT, BCA, PGDCA, MCA प्रोग्राम के हैं, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल शेड्यूल किया गया है और उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई। दो अलग अलग लिस्ट जारी की गई हैं, एक लिस्ट में आप सभी स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं और दूसरी लिस्ट में आपका शेड्यूल दे दिया गया। सो आप दोनों को डाउनलोड करके और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है फिर राजकोट रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आपके रीजनल सेंटर की तरफ से CIT, BCA, MCA के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपका यहाँ पे डेट शीट जारी किया गया है टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के यहाँ पे नाम दे दिए गए और किस दिन किस टाइम पे आपको अपीयर करना है वो सभी डिटेल्स भी यहीं पे दे दी गई 13 अक्टूबर को ही।
आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है फिर वाराणसी रीजनल सेंटर की तरफ से। आप में से जो भी स्टूडेंट्स BLIS प्रोग्राम वाले हैं, आपका BLIE 227 का टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल शेड्यूल जारी कर दिया गया और 13 अक्टूबर को आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट भी दे दी गई जो इसे अटेंड करने वाले हैं, सो आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है फिर अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से। दोस्तों अभी बात करेंगे आपके असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई, आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली बता दिया गया कि आप अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए जमा कर सकते हैं। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए लास्ट डेट दी गई है 31 अक्टूबर, और यहाँ पे लास्ट में एक लिंक दिया हुआ है लिस्ट ऑफ असाइनमेंट्स रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021। ये अभी अपडेट नहीं किया गया, सो आप इस लिंक को अभी चेक ना करें। जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर देंगे उसके कुछ दिनों के बाद में इसे अपडेट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे आप अपने असाइनमेंट इस फॉर्म के जरिए ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी वही सिंपल सी बातें बताई गई हैं, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ, सो बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट रीजनल सेंटर है जिसकी तरफ से आपके ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जारी की गई है, वो है सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर। फाइनली काफ़ी टाइम के बाद में ये दो ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से आपके ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस जारी की गई। सो जो भी स्टूडेंट्स सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर वाले हैं, आप भी इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021। लास्ट डेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वही रहने वाली है, अगर लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा तो वो सभी रीजनल सेंटर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। आपके लिए भी यहाँ पे गूगल फॉर्म जारी कर दिया गया जिसमें आप अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करा पाएंगे। लेकिन आप अगर अपने असाइनमेंट्स ऑलरेडी हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर या फिर अपने रीजनल सेंटर पे जमा करवा चुके हैं तो फिर से आपको जमा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको मैक्सिमम PDF फाइल साइज़ दिया गया है 10 MB, और जो फॉर्मेट रहेगा आपकी PDF फाइल नेम का वो भी यहाँ पे दे दिया गया। सो जो भी स्टूडेंट्स सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर वाले हैं, आप अपने असाइनमेंट्स इसी तरीके से बनाकर जमा कर दें। फर्स्ट पेज में आपकी ये सभी डिटेल्स रहेंगी। आपको अपने असाइनमेंट सिर्फ गूगल फॉर्म के जरिए जमा करने हैं, आप इन्हें ईमेल नहीं करेंगे। साथ ही मैं आपको ये फॉर्म भी ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना मेल आईडी लिखना है, आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड। दोस्तों आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड में कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रोग्राम कोड है आपकी डिग्री का कोड और कोर्स कोड है आपका सब्जेक्ट कोड। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर और लास्ट में दिया गया है ऐड फाइल, आप इसे क्लिक करके और अपने असाइनमेंट्स की PDF यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद में सिंपली सबमिट को क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवा पाएंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में ये थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 7 न्यू नोटिफिकेशंस और साथ ही 2 नए रीजनल सेंटर्स की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।